गोघर कन्या स्कूल बदहाली का शिकार हो चुका है। यहाँ सुलभ प्रसाधन के नाम पर कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है। कवरेज के दौरान देखा गया कि जहाँ छात्राएं शौचालय जाती हैं, वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि कोरेक्स की शीशी व सिगरेट के पैकेट शौचालय में साफ दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के टीचर द्वारा बताया गया कि साफ सफाई के लिए यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है, एक शौचालय है जिसमें ताला लगा था। बताया गया कि इस शौचालय का उपयोग टीचर्स व प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि छात्राएं या तो शौचालय के लिए बाहर जाती या फिर जिसमें गंदगी पसरी थी उसका उपयोग करती हैं। पता चला है कि रात में स्कूल के अंदर कोरेक्सियों व शराबियों का जमघट लगा रहता है। क्या कह रही है व्यवस्था को लेकर शिक्षिकाएं, आप खुद देखिए। टॉयलेट की सफाई के सुपर नहीं है, सफाई के लिए नहीं है सुपर, कब से सफाई करनी है? सफाई वाली कभी नहीं रहा, अभी गंदगी काफी बाथरूम वगैरह गंदगी भी है। तो स्वीपर नहीं है, सफाई कहाँ से होगी? इसकी जानकारी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत वगैरह आपने की है? हाँ हाँ सब हमेशा होती रहती है। मेन बाथरूम में ताला कहाँ लगा है? बाहर के लड़के आके घुस जाते हैं यहाँ, तो इतना ये एरिया ऐसा है कि लड़के बाहर के आ जाते हैं, बच्चे खेल भी नहीं पाते, पूरा दिन अंदर घुस जाते हैं, दिन भर भगाते हैं उनको, वही बाथरूम इसलिए बंद रहता है। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 700 के लगभग है। सभी ऐसे बनी नहीं है सब, अब जैसा है वैसा तो ही है। प्राथमिक माध्यमिक का और लेकिन टिन सेट नहीं लगा है बच्चों का। और किस तरह की समस्या है इसके लिए? प्राथमिक माध्यमिक बता दो। प्राथमिक का और माध्यमिक का जो कन्या स्कूल है तो वहाँ बाथरूम में टिन सेट नहीं है, सामने घर भी है तो ऊपर से सब दिखता रहता है, तो कैसे जाए? ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जिला शिक्षा अधिकारी से बात नहीं की? वो संस्था प्रमुख ने सूचित किया होगा, और ये बहुत पहले बना था, ये 15-20 साल पुराना कचरा लगा हुआ है। ये तो अभी निकला छत, ये अभी छत से निकला है, मोहल्ले के लोग वही छत में फेंकते हैं, ये सर ने सफाई करवाया। वो तो प्रभार में है यहाँ, मतलब स्थायी प्राचार नहीं है, प्रभार में है सुरेंद्र सिंह जी से। आपका क्या नाम है? सरोज गुप्ता। काम चल रहा है।